तो कहीं भी बैकग्राउंड स्ट्रीम नहीं दिख रहा है। बैकग्राउंड स्ट्रीम आएगा तभी वीडियो जो है यहाँ पे प्ले हो पाएगी। जैसे आ गया होगा, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आ भी गया है। बैकग्राउंड स्ट्रीम वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे YouTube को यूज़ करते हैं और अपने आपके YouTube में यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रीम के फीचर को आप इनेबल करना चाहते हैं, तो आज के इस वीडियो के थ्रू मैं स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ किस तरीके से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रीम वाले फीचर को इनेबल करना है YouTube पे। ठीक है, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। और अभी आप देख सकते हैं, मैंने जैसे YouTube को ओपन किया है, तो यहाँ पे जैसे ही ये YouTube ओपन होगा, आपको बैकग्राउंड स्ट्रीम का फीचर यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसको इनेबल कैसे करना है, वो हम सेटिंग के बारे में जो हम बात करने वाले हैं, और मैं आपके सामने ही उस सेटिंग को जो है यहाँ पे इनेबल करने वाला हूँ। ठीक है, फिलहाल अगर मैं यहाँ पे कोई भी जो है चैनल को मैं सर्च कर लेता हूँ अपने, और जैसे ही मैं अपने चैनल को सर्च करूँगा तो यहाँ पे आपको पता होगा कि बैकग्राउंड स्ट्रीम का फीचर दिखना चाहिए। लेकिन फिलहाल से अभी के समय में ये बैकग्राउंड स्ट्रीम वाला फीचर इस डिवाइस में नहीं देखने को मिल रहा है। लेकिन इसको मैं बताने वाला हूँ कि कैसे आपको इनेबल करना है, और डेफिनेटली तरीके से ये वर्केबल ट्रिक है और 100% ये वर्क करने वाली है ट्रिक। ठीक है, तो वीडियो को आप कंप्लीट जरूर से देखिएगा। और अगर आप इस चैनल पर नए आते हैं तो भाई तब तक चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पे क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोस अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए, उनको फॉलो कर लीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, उसको भी आप जरूर से ज्वाइन कर लीजिएगा। तो दोस्तों, अभी आप देख सकते हैं हमने YouTube को ओपन किया हुआ है, लेकिन जो है जैसे ही यहाँ पे चैनल ओपन होगा तो आपको यहाँ पे जो बैकग्राउंड स्ट्रीम है वो देखने को नहीं मिलेगा। फिलहाल मैं अगर यहाँ से साइड बार ओपन करता हूँ तो देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रीम देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये देख सकते हैं। और वीडियो जब तक बैकग्राउंड स्ट्रीम आएगा नहीं तब तक वीडियो प्ले नहीं हो पाएगी। तो इसको ऑन कर सकते हैं, इसमें कुछ सेटिंग्स हैं डिवाइस के अंदर, उनको आपको जरूर से यूज़ करना है। लेकिन अभी मैं दिखाऊं तो कहीं पे भी बैकग्राउंड स्ट्रीम नहीं दिख रहा है, नॉर्मली भी नहीं दिख रहा है, और वीडियो प्ले करेंगे तब भी नहीं आएगा, क्योंकि बैकग्राउंड स्ट्रीम आएगा तभी वीडियो जो है यहाँ पे प्ले हो पाएगी। तो देखिए, अभी मैं आपके सामने सेटिंग करने वाला हूँ, उस सेटिंग को यूज़ करते ही यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रीम आ जाएगा। ठीक है, और कहीं ना कहीं भाई अगर ये ट्रिक वर्क करती है तो इस वीडियो को जरूर से एक लाइक कीजिएगा। ठीक है, और जो है इस वीडियो को जरूर से शेयर भी कीजिएगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं और किस तरीके से आपको सेटिंग यूज़ करनी है। तो इसके लिए आपको सिंपल करना क्या होगा, आपको सबसे पहले जो है चले जाना है अपने डिवाइस के सेटिंग वाले ऑप्शन में। ठीक है, जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन में जाएंगे तो स्क्रॉल कर लेना है, और उसके बाद आपको स्पेशल फीचर्स मिल जाता है, इसको क्लिक कर लेना है। और उसके बाद आपको स्मार्ट साइड बार मिलता है, इसको क्लिक कर लेना है। ठीक है, अब देखिए स्मार्ट साइड बार अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पे नहीं मिल रहा है, या आप कोई अनदर ब्रांड का डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, तो डायरेक्ट आप सर्च बार में स्मार्ट साइड बार को सर्च कर सकते हैं। यहाँ पे स्मार्ट साइड बार आपको सर्च कर लेना है। ठीक है, वेल हमने यहाँ पे डायरेक्ट निकाला हुआ है स्पेशल फीचर्स में, और ये देख सकते हैं स्मार्ट साइड बार। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन जो है यहाँ पे इनेबल कर देना है स्मार्ट साइड बार को। ठीक है, उसके बाद आपको एक ऑप्शन मिलता है, स्मार्ट रिकमेंडेशन का एक ऑप्शन मिलता है। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि इस फीचर को सिंपल यहाँ पे इनेबल कर देना है। स्मार्ट रिकमेंडेशन जैसे ही आप इनेबल करेंगे तो इस तरीके से यहाँ पे आपको ब्लू कलर का टिक मार्क बन के आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये फीचर आपका प्रॉपर तरीके से इनेबल हो चुका है। ठीक है, अब आपको बैक लेना है अपने इसको। ठीक है, और यहाँ पे वापस से आपको यूट्यूब ओपन करना है, और यूट्यूब ओपन करने के बाद यहाँ पे हम अपने चैनल को भी सर्च कर लेते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो है यहाँ पे आप इस मतलब ट्रिक से जो बैकग्राउंड स्ट्रीम है वो डेफिनेटली यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर वीडियो है, ठीक है, और प्रॉपर आपको प्रूफ के साथ भी हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो थोड़ा जैसे ही ये ओपन हो जाए तो यहाँ पे आपको जैसे आप स्लाइड देते हैं वैसे आ गया होगा, अगर हम यहाँ पे आते हैं तो इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पे आ भी गया है। बैकग्राउंड स्ट्रीम वाला ऑप्शन भी आपको देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब अगर कोई वीडियो हम प्ले भी करना चाहें तो हमारी इजीली जो है बैकग्राउंड स्ट्रीम में प्ले हो जाएगी। अभी तक इसको ओपन करने पे बैकग्राउंड स्ट्रीम का फीचर नहीं आ रहा था, लेकिन जैसे ही आप स्मार्ट रिकमेंडेशन वाले फीचर को इनेबल करते हैं आपको यहाँ पे बैकग्राउंड स्ट्रीम का फीचर भी देखने को मिल जाएगा अपने डिवाइस में। ठीक है, और प्रॉपर तरीके से आप जो है यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं अपने डिवाइस में जो है बैकग्राउंड स्ट्रीम को। तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं जब तक ये ओपन होता है तो। ठीक है, और कहीं ना कहीं काफ़ी अच्छा फीचर है भाई बैकग्राउंड स्ट्रीम, डेफिनेटली अगर आप यूज़ करते हैं तो एक आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है, अच्छा रिजल्ट भी मिलता है। ठीक है, और कई सारे यूजर्स जो है यहाँ पे डेफिनेटली वेट कर रहे हैं बैकग्राउंड स्ट्रीम वाले जैसे फीचर्स का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अभी आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पर ओपन करता हूँ तो ये आ गया बैकग्राउंड स्ट्रीम। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कोई वीडियो प्ले भी कर लेता हूँ, जैसे कि अगर हम चलते हैं कोई वीडियो प्ले करेंगे तो वो आराम से इजीली जो है बैकग्राउंड स्ट्रीम में भी प्ले होने वाली है।
तो काफी अच्छा फीचर है जो कि मैंने सेटिंग्स बताई आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं जो है एक आपको अच्छा ऑप्शन भी मिल जाता है, देख सकते हो ऊपर की साइड में आ भी गया है यूट्यूब जो है हमारा बैकग्राउंड में स्ट्रीम हो गया है पूरी तरीके से, ठीक है। और बैकग्राउंड में प्ले भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप ओपन करते हैं तो इजीली जो है आप किसी वीडियो को आराम से जो है यहाँ पर बैकग्राउंड में प्ले कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश करूँगा, जैसे मैं कोई वीडियो यहाँ पर प्ले कर लेता हूँ, ठीक है, कोई वीडियो प्ले कर लेता हूँ प्रूफ के साथ भी आपको दिखा देता हूँ कि ये फीचर वर्क कर रहा है, ठीक है। थोड़ा सा ये जो है इंटरनेट का इशू है और क्वालिटी हम एकदम कम कर लेते हैं ताकि चल जाए, ठीक है। और थोड़ा सा अगर ये वीडियो चल जाती है तो आपको बैकग्राउंड में मैं यहाँ पर दिखाता हूँ, ठीक है। और ये देख सकते हैं, ये देखो यहाँ पे ये जो है इसको हम जो है क्वालिटी थोड़ा कम कर लेते हैं, ठीक है। ये इसको किया हमने और उसके बाद हमने यहाँ से क्लिक किया और ये देखिए, ठीक है, अब हमने इसको बैकग्राउंड में क्लिक कर लिया है तो बैकग्राउंड में ये प्ले होगी। जैसे ही यहाँ पे इंटरनेट का जो प्रॉब्लम है सॉल्व होगा क्योंकि इंटरनेट थोड़ा स्लो है, ये देख सकते हैं 2K मूवी डाउनलोड कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 2K मूवी मैंने डाउनलोडिंग पे लगा दिया और इसको और आराम से चल भी रहा है, ठीक है। ये देखो, ठीक है, अब ये यहाँ से क्लिक करने के बाद बैकग्राउंड स्ट्रीम यहाँ पे हो गया, बैकग्राउंड हो गया इनेबल, ये हो गया क्लोज, ठीक है। तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छे तरीके से ये बैकग्राउंड स्ट्रीम वाला फीचर भी वर्क कर रहा है। तो होपली इस वीडियो के थ्रू आपको सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड हो गई होगी बैकग्राउंड स्ट्रीम को लेकर। तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू सो मच।